सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर 1 देख रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पे आप घर बैठे लाखों की अर्निंग कर सकते हो। इसके पहले मैंने कल की जो मैचेस की आपके वीडियो डाली थी, वीडियो पर जो जो मैंने प्रेडिक्स कराया था, सब इन्फॉर्मेशन जो दिया था, आपको टिप दिया था, यदि वो यूज़ किए होंगे तो ग्रैंड लीग आसानी से विन किए होंगे, ड्रीम इलेवन हो या काहे चाहे किसी भी ऐप पे। तो आज की भी मैं ये वीडियो बना के लाया हूँ आपके लिए, फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलने वाली है जिसे आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड आसानी से जीत सकते हो। तो आज का जो मैच है आप देख ही सकते हो, कल मैंने ये जो टीम डाली थी उनमें से यही एक टीम थी जो आपकी ग्रैंड लीग जिताई थी। इविल लिविस को कैप्टन, वाइस कैप्टन जगेश्वर को यहाँ से बनाया था, जगेश्वर को, और यहाँ से जो भी टीम ये बनाए रहोगे ग्रैंड लीग विन कर लिए होंगे। लास्ट टाइम तक बेन डग ने बहुत अच्छी परफॉर्म की, यदि इनकी बैटिंग नहीं आती तो ग्रैंड लीग भी नहीं लगती। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी ये ग्रैंड लीग टीम जीते होंगे। देखो ये फ्री टीमें मैंने प्रोवाइड कराया था, स्मॉल लीग आसानी से ये टीम आपकी विन कर गई, ठीक है। मैं आपको कैप्टन पिक सर्किल भी बता दिया था कि आपको कैप्टन पिक सर्किल किसे करना है। तो जो लिविस के साथ अकॉर्डिंग गए होंगे, मैंने आपको बताया था 10 से 11 टीम आप इसी टीम के साथ आइए और आप यहां से कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करिए और यहां से आपकी ग्रैंड लीग लगेगी, जो 100% हुआ भी वही का वही। तो यदि आप भी जीतना चाहते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आपको बता दूँ इस ऐप जो है ड्रीम इलेवन, वो आप ग्रैंड लीग खेले, अदर ऐप पे आप जी सी इलेवन या माई फैब इलेवन पे आप स्मॉल लीग हेड टू हेड खेल सकते हैं। और आपको बता दूँ, आप यदि मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आपके पास मनी नहीं है, तब भी आप क्रिकेट प्रेडिक्शन करना चाहते हैं और मनी अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से अच्छा कोई भी चैनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको गिब्बे भी दिया जाता है। गिब्बे में आपको कौन से प्लेटफॉर्म में आपको फ्री गिब्बे दिया जाएगा, जीरो एंट्री फीस, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से अर्निंग कर सकते हो, डेली के डेली सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज का जो मैच होगा ये आपका, इस मैच पे वो आपको बता दूँ, प्ले डूड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्ले डूड ऐप का नाम है। यदि आपको कमेंट बॉक्स में ऐप लिंक चाहिए मैं दे दूंगा, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और किस ऐप में आपको फ्री लीग ज्वाइन कराएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना होगा हमें मोटिवेट करने के लिए, लाइक कमेंट, और यदि न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। एक शेयर आपके लिए मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो और भी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है और ग्रैंड लीग जीतने के उनके भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको बताओ, आप अपना भला दूसरों के जरिए कर सकते हो, यदि आप शेयर करते हो तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनकी इन्फॉर्मेशन आपकी इन्फॉर्मेशन दोनों कलेक्ट करके आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। 50% आपका लक, 50% इन्फॉर्मेशन प्रेडिक्शन ये आपका चलता है, तब जाके 100% विनिंग टीम आपकी ग्रैंड लीग बनाती है। तो आइए चलते हैं आज के प्रेडिक्शन की ओर। तो SLZ वर्सेस TKR का जो मैच है, उनमें से कौन से टॉप 11 प्लेयर चाहिए, तो यहाँ पे SLZ जो होगी 4 मैचेस खेली है, 3 विन कर चुकी है, 1 में लॉस हुआ है, जिसपे अंडर फ्लेचर में 22-16-46-12 रन की पारी खेली है, के लिविस 8 रन 9-1-14-16 रन की, और एक ही के मेंडी मिले वो है मिलिस जो हैं वो एक ही मैच खेले हैं, 8 रन मारे थे, उसके पहले आर कॉनवेल की जगह ये आए हैं, आर कॉनवेल ने 8-9 रन, 1 विकेट, 14 रन, 16 रन ऐसे मारे हैं। एम दयाल बहुत अच्छे ग्रैंड लीग पिक यहाँ पे आपके पास हुए, 17 रन, 1 विकेट, 30 रन। तो एम दयाल ये आपको बता दूँ ये आपके मिल जाएंगे, आर चेसेस जो हैं ये आपके ग्रैंड लीग हेड टू हेड 2-2-10 पे कैप्टन मटेरियल पिक है। एन जबरन आप इन्हें ले के ड्रॉप भी कर सकते हो। एम नवी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है ग्रैंड लीग में, कैप्टन जे ग्लेन, डी शमी को मैंने आपको पहले ही बताया था आप इन्हें मत लें, ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग आप इन्हें एवरेज में रख सकते हो। कुल लेजेंड जो है अपने सभी मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके रखी है, और ये आपको बता दूँ ये ऑलराउंडर टाइप के हैं, न्यूजीलैंड के बहुत अच्छे हैं ये ऑलराउंडर, यदि इनकी बैटिंग आती है तो बैटिंग पर भी अच्छे हिट लगा सकते हैं, और विकेट पर तो आप देख ही चुके हैं ये अपने 4 मुकाबलों में 10 विकेट ले चुके हैं, 4-3-7-2-9-1 10 विकेट इन्होंने ले चुका है। और केसर विलियमर अपने थर्ड मुकाबले में विकेट नहीं निकाला, लेकिन अपने 4 मुकाबले में इन्होंने 5 विकेट लेके लिया है। सी होल्डर अपने फर्स्ट ही मुकाबले में 2 विकेट लिया है, और मैंने इन्हें बता भी दिया था आप इन्हें ज़रूर पिक कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे एक सी होल्डर ने 4 विकेट, आर्चेस ने 4 ओवर डाला था, एम नवी कुल लेजिन है, आर्चेस अपने सभी ओवर यहाँ पे अब कर रहे हैं, और ये आपको बता दूँ ग्रैंड लीग स्मॉल लीग और 2-2-10 हेड टू हेड में कैप्टन मटेरियल पिक हैं, तो आप इन्हें ज़रूर लेके जा सकते हो।
और बात करते हैं टी के आर पे, तो अपनी तीन मैचेस खेली है यहाँ पे, तीन के तीनों विन की है, जिस पे लिंडन सिमंस अभी अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। लेकिन सुनील नारायण पिछले मैच को छोड़ दिया जाए, बाकी पे दोनों पे ग्रैंड लीग परफॉर्मेंस, बेस्ट कैप्टन इनका रहा है। और कोलिन मुनरो अपने ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में आप इन्हें रख सकते हो कैप्टनसी। डी ए ब्रावो पिछले मैच में बहुत अच्छी वापसी की, 54 रन लगाए इन्होंने। किनन पोलार्ड अपने दो मैचों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन लास्ट मैच में 41 रन मारे थे। उसके बाद फिर डीजे ब्रावो इतने अच्छे नहीं रह पाए, के पैरी अपने लास्ट परफॉर्मेंस में पाए हैं विकेट। जे सेडल, एफ अहमद, अली खान अपने सभी मैचेस पे लिए हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, जे सीडल्स अली खान अपने 8 पॉइंट ड्रीम इलेवन पे है, तो आप इन्हें जरूर पिक करके जा सकते हो। जो ओपनर अवेन लास्ट बॉलर रहेंगे, डेथ ओवर अली खान आपके करेंगे, इसलिए अली खान को आप जरूर पिक करें। जे सीडल आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपके जे सीडल आप दे सकते हो, दो तीन से ज़्यादा ओवर नहीं करते, उनकी जगह के पैरी भी आपके 2-3 ओवर ही डालते हैं, सेम ही डालते हैं, ठीक है। बाकी आपके सभी ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फेस ऑफ देखने को मिल जाएगा, एंडर फ्लेचर वर्सेस टीकेआर बॉलर सोलिन नारिन ने 35 रन दिए हैं 53 बॉलर्स पे, दो बार आउट किया एंडर फ्लेचर को। आर कानवेल वर्सेस टीकेआर पे सोलिन नारिन ने 4 रन यहाँ पे 6 बॉल पे दिया, एक बार आउट। डीजे ब्रावो 16 बॉल पे 15 रन, 3 बार आउट। नजमुल्लाह को सुनील नारी ने 13 बॉल में 19 रन जरूर मारे हैं, एक बार आउट किया है। नाभी वर्सेस टीकेआर पे डीजे ब्रावो जो हैं आपके यहाँ पे 28 बॉल पे 54 रन मारे हैं, 3 बार आउट भी किया है नाभी को। एफ अहमद 11 बॉल में 12 रन, एक बार आउट किया है। यहाँ पे SLZ की बात कर लेते हैं, तो SLZ पे जो हैं यहाँ पे 14 बॉल्स में 12 रन, एक बार आउट किया है सुनील नारी ने। SLZ पे केन विलियमसन 6 बॉल 1 रन और 3 बार आउट किया है। डीएम ब्रावो SLZ पे मोहम्मद नाभी ने 11 बॉल पे 8 रन और 1 बार आउट किया है। केन विलियमसन में 4 बॉल्स 1 रन 2 बार आउट किया है। तो आइए चलते हैं आज के प्रेडिक्शन की ओर। सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आपके बैटिंग स्टेट दे दिए कि कौन सा फॉर्म पे चल रहा है, आप कैसे कैप्टन वाइस कैप्टनसी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी टीम अभी टेम्परेरी टीम बनाई, जिसे मैंने एंड फ्लेचर को यहाँ पे विकेट कीपर एम दयाल को लिया। यहाँ पे पॉइंट्स की प्रॉब्लम बहुत पड़ रही है, नहीं तो इनकी जगह मैं लेने वाला था। यदि आपके पास है तो आप डीएम ब्रावो को जरूर पिक कर सकते हैं एम दयाल के लिए, लेकिन मैं अभी इन्हें फिलहाल लेके गया हूँ। यहाँ पे कोलिन मुनरो, आरचेस, सुनील नारायण, एम मोहम्मद नबी बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं, तीनों मैंने लिया है। कैप्टन मैंने सुनील नारायण वाइस कैप्टन आरचेस को बनाई, आप रिवर्स भी कर सकते हो, आरचेस को कैप्टन वाइस कैप्टन सुनील नारायण को बना सकते हो। यहाँ पे फवाद अहमद पिछले फॉर्म अपने बता दूं कि ये मेडन ओवर भी एक मेडन ओवर डाले थे, 2 के पर रन ओवर डाले थे और एक विकेट भी निकाला था। अब एक हान अपने बता दूं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं केसद विलियमसन है, डेथ ओवर करेंगे। कुलेशन है अपने लास्ट ओवरों इन्हें ही करेंगे। तो कैप्टन पर मटेरियल जो ग्रैंड लीग पे रहेंगे, लिंडन सिमंस, कोलिन मुनरो, फ्लेचर अपने ये सभी ऑलराउंडर, फिर उसके बाद कुलेशन है, ये आपके कैप्टन मटेरियल पिक रहेंगे। तो आज की जो ग्रैंड लीग टीमें बनती है वो आपको बता दूं, आप इस पे अच्छे खासे ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। आप इस पे जितनी ज़्यादा ग्रैंड लीग टीम बना सकते हो, 10 से 11 टीम ड्रीम इलेवन, यदि अदर ऐप पे खेलते हो तो ज़्यादा भी बना सकते हो। तो आज आप ग्रैंड लीग जरूर जीत सकते हो यदि आप मेरे इस प्रेडिक्शन से चले तो। सेम टीम यही रहती है आपकी, यदि पॉइंट्स प्रॉब्लम चलेंगी तो एफ अहमद को आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अली खान को आप जरूर लेके चलिएगा, क्योंकि डेथ ओवर करेंगे, लास्ट ओवर करेंगे, लास्ट ओवर में जानते हैं कि ज़्यादातर विकेट जरूर गिरते हैं, तो आप इन्हें जरूर लेके चलें। कुलेशी ने अपने सभी मुकाबलों में, अपने 4 मुकाबलों में 10 विकेट लेके चला है। केसब विलियमसन बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें भी लेके जरूर चले। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड, और हमारे टेलीग्राम चैनल किंग ऑफ ड्रीम इलेवन जरूर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको टेम्परेरी टीम फ्री टीम टॉस के बाद मिल जाती है, जो आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड पे वो टीम लगा सकते हो। इन्फॉर्मेशन साथ में टिप भी दे देता हूँ, जो आप वहाँ पे हेड टू हेड या 2-10 खेलते हो। थैंक यू फ्रेंड, गुड लक।